बात कहते हैं कि हजरत अली के ऊपर सब हो रहा था, इसीलिए उम्मे सलमा ने कहा, उम्मे सलमा को नहीं पता था ये तनकीद हो रही है, तो ठीक है तनकीद हो सकती है, अरबादी सुना रही है जिसने अली के ऊपर जो है वो सब किया, असल नबी के ऊपर किया, अली के ऊपर तनकीद तो नबी के ऊपर तनकीद नहीं है, वो सबका तर्जुमा वही समझ लीजिए, अली मैंने सही मुस्लिम, अच्छा सबका तर्जुमा वही समझ लीजिए, समझे तरह बात करो। A few moments later. सबका तर्जुमा हम वो कैसे करेंगे, हम पहले सबका तर्जुमा हदीस की रूप से करते हैं, मिर्ज़ा जी को हम हदीस के सामने रखेंगे, ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम, मिर्ज़ा जी समझे जरा इस बात को, ये सही मुस्लिम है, सही मुस्लिम जिल्द नंबर 6 है, सफा नंबर 708 है, इसमें किताब अल फजाइल है, बाबू फी मुजजात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हदीस नंबर 5830 है, और किताब किसकी है, हुसैनी इमाम मुस्लिम की, जिनके लिए मिर्ज़ा जी कह चुके हैं पक्के हुसैनी थे, पक्के हुसैनी मिर्ज़ा जी, पक्के हुसैनी आपके हिसाब से, नंबर 1 नंबर 2 मिर्ज़ा जी कहते हैं जितनी खतरनाक रिवायतें वो सबसे मुस्लिम है, खतरनाक मिर्ज़ा जी का जो खुसूसियत के साथ कलाम है, हदीस रसूल का मजाक उड़ाने के लिए उसकी तोहीन करने के लिए, ठीक अच्छा असली बात तो लंबी बात है कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चश्मे से पानी पीने से मना कर दिया था, लंबी बात है उसके अंदर ये अल्फाज हैं कि दो शख्स ने उसको पानी इस्तेमाल कर लिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्फाज हैं फसबहुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फसबहुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिर्ज़ा जी अब सबका मायने आप तो कर्म छोड़ते हैं, फसबहुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों पे सब किया, अब मिर्ज़ा जी सबके मायने आप यहाँ क्या गालियां देना करेंगे, नऊज़ु बिल्लाह मिर्ज़ा जी क्या मायने गालियां होगा, मिर्ज़ा जी कहेंगे नहीं तो हमारा मुकदमा मुकम्मल हो गया कि मिर्ज़ा जी ने सबके मायने जानबूझकर गालियां करके नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक बनू मैया से मावी रज़ी अल्लाह अन्हु से आले मरवान से लोगों को मुतनफ़िर करने की कोशिश की जानबूझ के, और मैं बता दूं ये कोई मुसनद आला नहीं पढ़ रहा, सही मुस्लिम से हदीस पढ़ रहा हूं मिर्ज़ा जी, और सुने एक और बात, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है भाई, सही बुखारी नंबर 8 सफा नंबर 515 किताबुल एहतिसाम, किताबुल एहतिसाम के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब बयान किया, बाबू मा युकरहु मिन तअम्मुक, उसके तहत हदीस नंबर 7305, मसला क्या है, मसला है कि सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला के पास सैयदना अब्बास चचा अब्बास और सैयदना अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला, ठीक है सैयदना अब्बास अहले बैत सैयदना अली अहले बैत दोनों उमर रजी अल्लाह तआला के पास आए फिदक के मसले पर, जो उमर रजी अल्लाह तआला उन्होंने अपने दौरे हुकूमत के अंदर जो निगरानी के मामला रखे हुए थे उस निगरानी के मसले में कि अब्बास कहते हैं मैं करूंगा, अली कहते हैं मैं करूंगा, इस मसले को लेके जब वो पहुंचते हैं तो अब्बास उमर रजी अल्लाह को मुखातिब करके कहते हैं कि अब्बास कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन मेरे और जालिम के दरमियान में, भाई मेरे सुनो जरा चचा अब्बास अली और चचा अब्बास दोनों हैं, दोनों का इख्तलाफ हुआ इस मसले, ठीक है चचा अब्बास कहते हैं अकसी बैनी व बैन जालिम, ये जालिम उन्होंने किसको कहा, मिर्ज़ा जी के मुकल्लिदीन को हम तवज्जो दिलाएंगे, ये वो जालिम किसको कह रहे हैं, जाओ मिर्ज़ा जी से पूछो मिर्ज़ा जी चचा अब्बास पे क्या हुक्म लगेगा, उसके बाद आगे देखें इस तबा दोनों ने दूसरे पर सब किया, दोनों ने दूसरे पर अब्बास और अली ने एक दूसरे पर सब किया, अब हम मिर्ज़ा जी से कहेंगे मिर्ज़ा जी चलो तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ कि तुम फसबहुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मायने क्या करोगे छोड़ो, तुम इस तबा में ये इब्न अब्बास और अली ये दोनों ने जो आपस में सब किया है मिर्ज़ा जी इसके मायने करो, आप यहां रिवायत बुखारी करो मायने इसके, आप इसके मायने ये करोगे दोनों एक दूसरे को गालियां देने लगे, मिर्ज़ा जी इंतकाल तो हो जाना है लेकिन ये मायने नहीं होने दर, ठीक है सबके मायने तनकीद एक दूसरे को उसकी उनकी गलतियों के ऊपर तवज्जो दिलाना ये तो हो सकता है, सबके को और मायने नहीं हो सकते जब तक करीना मौजूद रहा हो,